गुड आफ्टरनून मुंबई, नून मुंबई, हम सब देख सकते हैं आज जो सिंगल डिजिट रैंकर्स यहाँ पे बैठे हैं, हर स्टूडेंट के लिए दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और एम्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम टू मीट एनी सिंगल डिजिट रैंकर, क्योंकि अगर आप लाइफ में अपने प्रिपरेशन में किसी सिंगल डिजिट एम्स या जेई के रैंकर से मिलते हैं, इट्सेल्फ दैट इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन फैक्टर। और यहाँ जो मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रैक्शन विद टॉपर्स, क्योंकि इन टॉपर्स की प्रेजेंस हम सब में वो एनर्जी भर देती है कि हमको इस जगह तक पहुंचना है। इफ़ वी ड्रीम फॉर स्काई, एटलीस्ट वी विल बी एबल टू रीच मून। लेकिन उससे पहले दो बातें हैं, इस मोटिवेशन को मेंटेन कैसे किया इन स्टूडेंट से जानने से पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम सभी टीचर्स के लिए उस मोटिवेशन को मेंटेन करना। जो सबसे बड़ा मोटिवेशन सोर्स था, आज पूरा मुंबई देख चुका है, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर ब्रजेश माहेश्वरी जी जिनका एनर्जी लेवल हमने देखा, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर श्री गोविंद माहेश्वरी जी जिनकी ब्लेसिंग्स और डायरेक्शंस हम सबके लिए हमेशा एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर रही है जो सारे टीचर्स को बांध के रखता है। हमारे डायरेक्टर्स जो आज प्रेजेंट नहीं हैं, फाउंडर डायरेक्टर श्री राजेश माहेश्वरी जी जिनका डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन विच मेंटेन्स दैट एनर्जी लेवल, एंड हमारे फोर्थ डायरेक्टर श्री नवीन माहेश्वरी जी जिनकी केयर, लव एंड अफेक्शन, जिस तरह से एलन के आज फैकल्टी टीम का मोटिवेशन मेंटेन करके रखता है और हम सब लोगों को मेंटेन करता है इन सारे स्टूडेंट्स के अंदर उस मोटिवेशन को जगाने में। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक टू ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ओवर हेयर, हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पेरेंट्स जब बातों को बोलते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। कई पेरेंट्स कई बातों को बार बार बोलते हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर असर नहीं होता। हमको लगता है हमारे मम्मी पापा इन बातों को बोलते रहते हैं, हमको पहले पता है कि हमको क्या करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल ऑफ अस, देर वर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग, और ये जितने एम्स और जेई के सिंगल डिजिट रैंकर यहाँ पे बैठे हैं जिन सबको हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है वी कैन एंडोर्स की, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल अपने टीचर्स, अपने सिस्टम और सबसे बड़ा अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स की किसी भी बात को इग्नोर नहीं किया, उसको बहुत केयरफुली सुना। वो एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर है जो कि आपको एनर्जी देता है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपको डायरेक्शन देती हैं, रास्ते अपने आप बनते हैं और टाइम के साथ सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं। इफ़ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द चैलेंज टूवर्ड्स जेई और एम्स आर कंसर्न, दी स्टूडेंट्स हैव टेकन द चैलेंज एंड अलॉन्ग विद चैलेंज इन आवर लाइफ, इन एनी डोमेन ऑफ आवर लाइफ द इंटीग्रल पार्ट इज स्ट्रेस। आप कहीं पे भी कोई चैलेंज उठाते हैं किसी भी डोमेन में, लाइफ के किसी भी डोमेन में, चाहे वो जेई हो, एम्स हो, MHCET हो, या दुनिया का कोई एग्जाम हो, या हमारा प्रोफेशन हो, चैलेंज के साथ दूसरा इंटीग्रल फैक्टर होता है स्ट्रेस। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपसे सोसाइटी की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर सक्सेस विल बी द वे हाउ यू हैंडल दिस स्ट्रेस। इन बच्चों से ही डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, द वे दे मैनेज्ड देयर प्रिपरेशन। देयर आर लॉट मैनी फैक्टर्स, आई विल बी इंटरेक्टिंग विद ऑल दीज स्टूडेंट्स, और मैं भी चाहूँगा स्टूडेंट्स जितना कैजुअल वे में अपनी बात को मुंबई के साथ शेयर कर सकें, दैट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। क्योंकि आज आप लोगों के जो वर्ड्स हैं, जिस पोजीशन को आपने हासिल किया है, वो वर्ड्स अपने आप में गोल्डन वर्ड्स होंगे, और आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट है जहां पे 111 आठ सिंगल डिजिट रैंकर्स हैं अलॉन्ग विद अमन बंसल ऑल इंडिया रैंक 1-2 इन जेई, 2 इन एम्स एंड ऑल अदर सिंगल डिजिट रैंकर्स। तो इनके साथ इंटरेक्ट करना, इनकी बातों को सुनना ही सबसे बड़ा फैक्टर है। और पेरेंट्स के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, जब ये बच्चे बोलें तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि कितना सिंप्लिसिटी से इन्होंने अपनी तैयारी की और जिस मुकाम तक पहुँचे। गोल को डिसाइड करना, गोल सेटिंग इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस तक पहुँचने के लिए स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना। दुनिया कहती है हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन सक्सेस के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
बट हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन वाले इस दुनिया में लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों प्रोफेशनल हैं, मगर हर इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इन बच्चों ने उस मंजिल को पाया बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजी, जिसको हम रणनीति कहते हैं। किस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले, आइए इन्हीं स्टूडेंट से जानते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद गौरव डिडवानिया। आई थिंक सर माइक दे सर। गौरव डिडवानिया ऑल इंडिया रैंक 1। गौरव, एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है आज अपनी जेई प्रिपरेशन की बात करें, अलॉन्ग विद प्रिपरेशन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने इंटरनल टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी होने लगती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, पेरेंट्स की भी, फ्रेंड सर्किल की भी, और एक प्रेशर डेवलप होता चले जाता है। किस तरह से अपनी पढ़ाई को मेंटेन करते हुए उस प्रेशर को तुमने बियर किया, आई वुड लाइक यू टू शेयर विद होल मुंबई। हेलो। रैंक के साथ साथ प्रेशर थोड़ा तो पड़ता है मतलब, लेकिन उसके फ़ायदा भी होता है कि मतलब आपको एक खुद से एक मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन मिलता है कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लस एक खुद पे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होने लगता है। और रैंक ऑफ उसका प्रेशर पड़ता है, बट कभी भी पेरेंट्स ने इस तरह से प्रेशर नहीं डाला कि आपको हमेशा भी पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ाई में सिर्फ जब पढ़ाई में किसी के प्रेशर में आगे नहीं करता था, सिर्फ अपने मन से करता था जब भी करता था। प्लस फ्रेंड्स का मोटिवेशन से ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा मोटिवेशन रहता था, कि क्योंकि जब भी खुद को लगता था कि यार मेरा बिगड़ गया, मैं कोई टेस्ट बिगड़ जाता है कुछ भी, सो फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा हेल्प होता था। दे ऑलवेज मोटिवेटेड लाइक तुम्हारा परफॉर्मेंस लास्ट टेस्ट में बहुत अच्छा था, तू तेरा बहुत अच्छा जाएगा अगला टेस्ट भी। तो फ्रेंड्स का हमेशा मोटिवेशन ही रहता है, प्रेशर तो नहीं पड़ता कभी। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी ग्रुप स्टडी और आपके फ्रेंड्स जो शायद सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर होते हैं। आई वुड लाइक ऐश्वर्या टू रिप्लाई ऑन द पॉइंट स्पेसिफिकली फ्रेंड सर्किल, किस तरह से आप, क्योंकि आज की डेट में इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया, कि आप सोशल मीडिया पे भी फ्रेंड से जुड़े हुए हैं, आपको अपने फ्रेंड सर्किल को भी मेंटेन करना है और साथ में अपनी स्टडीज़ को मेंटेन करना है, लेकिन इस जगह तक पहुँचने में इन फैक्टर्स का कितना बड़ा रोल है? तो सोशल मीडिया तो मुझे तो एक डिस्ट्रैक्शन ही लगती थी, क्योंकि इसमें मेरा एक माइंड लगता था कि एक माइंड का पार्ट जा रहा है। अगर मैं फेसबुक या व्हाट्सएप चला रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास में अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान कभी कभार उस पर चला जाता था जब तक मैंने चलाया। इसलिए मैंने 11th 12th में जब तैयारी करी तो मैं सोशल मीडिया से तो बहुत दूर ही रहा था, और हमेशा ट्राई करता था कि अपना जो मेन गोल है उस पर फोकस करूँ। और कभी कभार लगता है कि अब बहुत स्ट्रेस आ गया है, चलो सोशल मीडिया से सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो इसके लिए मैं सोचता था कि इसके बेटर है कि अपने पेरेंट्स से बात कर लूँ, उनसे मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, या अपने फ्रेंड से ही फ्रेंडली चैट कर लूँ 5 to 10 minutes, ताकि मेरा स्ट्रेस दूर हो जाए। आई थिंक सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है इन सारे ही स्टूडेंट्स के पास कि आपको जब टाइम मिलता है, आपको अगर रिलैक्स होना है तो कोई ऐसा काम करना चाहिए जो बिल्कुल एकेडमिक से अलग हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप एकेडमिक से दूर हटना चाहें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर आपके घर में है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली। अगर जब भी आपको टाइम मिलता है फैमिली के साथ खुल के हंसें, टाइम स्पेंड करें, आप देखिए स्ट्रेस कितना तेज़ी से रिलीव होता है और वापस से अपने ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। आई वुड लाइक कुणाल टू स्पीक। एक मिनट बच्चों, आप में से कितनों का फेसबुक अकाउंट है हाथ खड़े करिए, सच के सिपाही हो तो ईमानदारी से, मेरा तो इसलिए मैं खड़ा कर रहा हूं, ईमानदारी से फेसबुक अकाउंट। अब यहां हमारे जो दोनों साइड सिंगल डिजिट 4 इधर और 4 इधर, चारों इधर बच्चे और चार इधर, इनसे पूछे किसका फेसबुक अकाउंट था, क्या आपका फेसबुक डीएक्टिवेटेड था? मेरा अकाउंट था लेकिन मैंने चलाया ही नहीं, काफ़ी साल हो गए। मैं भी कभी चलाता नहीं था, बस बना हुआ ही है, बस मेरा बना हुआ था। हमारी कोई सेटिंग नहीं, कभी चलाया बोलना नहीं। पहले बोल रहा हूँ और ओपन कह रहा हूँ, अगर आप लोग स्पेशली जो बच्चे 11 12th में है, ये कमिटमेंट करें, और फिर याद रखना कमिटमेंट खुद से होता है, ये कमिटमेंट करें कि हम 2 साल के लिए जो 11th में और जो 12th में सीधे बोले 1 साल के लिए, वापस से फेसबुक को तब तक अपडेट नहीं करेंगे जब तक फेस लुक और बुक करने लायक ना बन जाए, तब ये फेसबुक का मतलब होगा।
आज देखिए ये वास्तव में लुक के लायक भी हैं और बुक के लायक भी हैं। आज एक बार फेसबुक अकाउंट तो खोलें, बाद में काउंट नहीं कर पाओगे, इतने लगातार काउंटिंग चलती रहेगी इनको लाइक करने वाले। अभी इन स्टूडेंट से एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, जिस तरह से इन लोगों ने सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव यूज़ भी शुरू किया, विल टॉक ऑन दैट ऑल्सो। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है इन स्टूडेंट्स के सामने, द बिगेस्ट चैलेंज इज कॉम्पिटिशन, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल कॉम्पिटिशन विच इज़ ऑफ टफेस्ट लेवल ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उस कॉम्पिटिशन की तैयारी में हाउ यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ टू मेंटेन अ पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिटिव ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कि आप दूसरों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप उन स्टूडेंट से कॉम्पीट करते हैं जो आपसे आगे हैं। आई थिंक इसका बेस्ट आंसर कुणाल गोयल दे सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 3 IIT JEE, कि किस तरह से अपने आप को कॉम्पिटिशन में तुमने मेंटेन किया। आई थिंक दिस इज अ फैक्टर विच आई वुड लाइक यू टू शेयर विद एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टेक द कॉम्पिटिशन एज हेल्दी, लाइक अगर हम देख रहे हैं कि आगे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं जिनकी अच्छी रैंक आ रही है, तो इससे हम बस डीमोटिवेट ही होंगे। तो अपनी रैंक को ज़्यादा फोकस में ना रखें, अपनी रैंक को एक क्विक ग्लैंस दे जस्ट, और ये इस चीज़ पे फोकस करें कि तुम हमारी जो पेपर हुआ है, जो भी कोई टेस्ट हुआ, उसमें गलतियाँ क्या हुई और किन क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए उनको हम सही कर सकते थे। तो अपने अंदर करेक्शन लाने की कोशिश करें, दूसरों की रैंक ज़्यादा देखने से ज़्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं बच्चे, और जैसे जिनकी अच्छी रैंक्स भी आती है उन्हें लगता है कि हाँ यार फर्स्ट रैंक आ गई, अब हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन हमको इसके लिए स्ट्राइव करना है कि जो एक दो क्वेश्चन जो भी गलत हुए हैं वो भी क्यों गलत हुए। अगर हम सेल्फ क्वेश्चनिंग करें कि हमारे ये गलत हुए तो नहीं होने चाहिए थे, गलत क्यों हुए, यानी इसी चीज़ से धीरे धीरे अपनी अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती रहती है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपको कभी किसी से कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली बींग अ टीचर आई कैन से जिन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, दोज हु कीप द गोल ओनली ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1 और द लेवल विच दे वॉन्ट टू अचीव, लेकिन उस पाथ पे चलते चलते अगर रस्ते में वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और सेटिस्फेक्शन फील होना शुरू हो जाता है, जो कुणाल ने बोला कि वी आर ऑलरेडी एट टॉप, वी आर गोइंग टू मेक इट, वो ओवर कॉन्फिडेंस कई स्टूडेंट्स में हमको दिखाई देता है। वो स्टूडेंट धीरे धीरे टाइम के साथ कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलते। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ टू मैनेज योर मिस्टेक्स। इन स्टूडेंट्स ने जो प्रिपरेशन करी उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा, किसी भी एग्जामिनेशन में कितने कम मार्क्स डिडक्ट हों इस चीज़ के लिए बहुत केयरफुल रहें, रैदर देन दैट कि मैक्सिमम स्कोर करना है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर था। लेट्स मूव ऑन टू All India Rank 5 in AIIMS. I would like you to answer specifically about आप घर से दूर रह के हॉस्टल में प्रिपेयर करते थे, तो अदर देन एकेडमिक्स कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स के साथ आपने अपने आप को बैलेंस करा आखिर तक इस सिंगल डिजिट रैंक तक पहुँचे? अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे अगर हम लगातार पढ़ते रहते हैं ना, तो मतलब मेंटल ब्रेकडाउन होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि साइड हॉबीज़ भी होनी चाहिए। जैसे मेरे लिए एक म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छी हॉबी थी। मैं पेरेंट्स से बात करके भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, क्योंकि अल्टीमेटली जब मतलब वो मेरे हिसाब से वो लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते, जिनके साथ हम हर बात शेयर कर सकते और वो बिल्कुल सही एडवाइस देते सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैं उनसे बात करता था, और मेरा साइड इंटरेस्ट थे जैसे नॉवल्स वगैरह पढ़ना, जैसे कि माइंड एक ओपन भी होता है, ब्रॉड आपका माइंड भी ब्रॉड होगा और साथ के साथ आप काफ़ी लाइट भी फील करेंगे। तो इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहता था, और स्ट्रेस फ्री रहने का एक तरीका ये भी था कि मतलब मैं कभी भी किसी और से कम्पीट नहीं करता था। आई ऑलवेज चैलेंज माई सेल्फ, सेट न्यू चैलेंजेस, अचीव देम, सेट फर्दर हार्डर चैलेंजेस, अचीव देम एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। If we talk the methodology of preparation for any national or international competitive examination, there are only 3 stages involved. The first stage is learning in classroom, when you are being guided by your teacher who is delivering the concepts to you. So most important is how properly you are grasping the concept, the way you are catching everything. Second stage is the way how you prepare at your for your examination at home.
how you manage your studies at home, and last is performance in examination. So I would like Mridul again to focus on a specific factor ki jab aap class mein padhaya jata tha to aise kaun se factor the jin pe aap dhyan rakhte the, or the factors which you would like to Mumbai students ki jab wo class mein pad rahe hain to unka behavior kaisa hona chahiye so that the grasping will be maximum. जैसा कि जब ब्रजेश सर बता रहे थे कि क्लास में सिर्फ दो ही लोग होने चाहिए आपके लिए, एक तो टीचर और एक आप खुद, जो कि एक अल्टीमेट कनेक्शन बनना चाहिए जिससे कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मिस हो. फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि टीचर्स क्लासेस में नहीं लिखवाते लेकिन वो एज इट इज़ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो अगर आप फुल कंसंट्रेशन से पूरा टाइम डिवोट कर रहे हैं, साइड एक्टिविटी से डिवेट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अगर कोई पास वाला पेन उठा रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई हमारा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसकी कनेक्टिविटी लूज़ कर दें. तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक कनेक्शन हमेशा बना के रखना चाहिए टीचर्स से, और बस यही बोलूँगा मैं. So the best methodology for behaving in examination to keep a strong connect between a teacher and you. If you feel only you are present in front of your teacher, you will be able to get maximum output of your classroom. I would like to carry on with All India Rank 4, Heath. Heath, would you like to recommend something specifically for the home study pattern of a student? Ki classroom mein understanding ke baad ghar pe behavior kya hona chahiye students ka? That's अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि क्लास में टीचर सारे स्टूडेंट्स को एक ही मेथड बताते हैं, एग्जामिनेशन पेपर सेम होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मार्क्स और परफॉर्मेंस सेम नहीं होती. द मेजर डिफरेंस इज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक्स एट होम. एक्चुअली जो होम पे जो स्टडीज होती है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो रैंक क्या बनती है वही स्टडीज डिसाइड करती है. और घर पर कैसे पढ़ना चाहिए उसके लिए कुछ पैटर्न्स हर एक की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन मैंने जो फॉलो की थी सबसे बेसिक बात तो ये कि हमेशा टेबल चेयर के साथ पढ़ता था मैं. मैंने कभी भी सोते हुए या फिर कोई अलग स्टाइल पोजीशन में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि जब आप सबसे ज़्यादा एक्टिव और अटेंटिव जब होते हो तभी आपके जो भी पढ़ते हो वो डायरेक्टली आपके दिमाग में जाता है और वो तुरंत ही आपकी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसीलिए पहले तो ये पोजीशन, और उसके अलावा क्लास के बाद आप जब घर पर आते हो अपनी रूम पर आते हो तो आपको रिकॉल करना है और उस पर मतलब सोचना है कि क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ाए हैं मेरे कौन से कॉन्सेप्ट है जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है उस पर आप ज़्यादा सोचो, कौन से मैंने आज क्या नया सीखा उस पर आप ज़्यादा फोकस करो. इस ये जो क्वेश्चन तो सॉल्व होता है उसको मैं अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये जो नए नए तरीके जो बनते हैं वो घर पर ही बनते हैं, क्योंकि घर पर जब आप अकेले होते हो जब आप सोचते हो तो आपका दिमाग जो वो एकदम फुल स्पीड से काम करता है, आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आती है, नए सॉल्यूशंस आते हैं, नए नए सवाल, नए डाउट्स आते हैं. तो जो घर के जो 5-6 घंटे आप हर रोज़ देते हो पढ़ाई में वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी स्टडीज़ को अपलिफ्ट करने में. तो मेरे हिसाब से हर एक का पैटर्न अपना अपना होता है और जो आप अब तक फॉलो कर रहे हैं उसे ही फॉलो करते रहे, उसमें मॉडिफाई कीजिए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का ट्राई कीजिए. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच ऑल ऑफ यू नीड टू कीप इन माइंड. द वर्ड इज़ टैगिंग. जब भी आप क्लास में कुछ पढ़ के घर पे आते हैं और रिव्यू करते हैं अपने नोट्स को टैग कीजिए. डू नॉट टेक इट इन अ फॉर्मल वे. अगर डेली अपने नोट्स को टैग करते हैं आपने आज क्या नया पढ़ा और किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. और वो टैग्स आपको याद दिलाते रहेंगे किस तरह से आपको अपनी एकेडमिक्स को मैनेज करना है. वेलकम टू ऑल इंडिया रैंक 2 भावेश टू शेयर अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज होम स्टडी पैटर्न इज कंसर्न, कि 2 साल की तैयारी में रिविज़न किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे जाके एग्जामिनेशन में आप रिविज़न पे फोकस करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है पुरानी टॉपिक्स के अंदर सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं. तो किस तरह से सिली मिस्टेक्स को कम करने पे फोकस करा तुमने और किस तरीके से होम स्टडी पैटर्न में रिविज़न को इन्वॉल्व किया, आई वुड लाइक यू टू शेयर ऑन दैट. तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आप और अच्छे से पढ़ो, और आपको अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो टीचर से डिस्कस करो, बिकॉज इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी है. अब अगर तो आप मज़े लेके पढ़ते हैं तो आपको अपने आप ही क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा भी इसमें क्या है कि मैं नहीं सीख पाया पहली बारी में, तो फिर उसे और अच्छे से पढ़ो और उसको भी अपने स्ट्रेंथ्स के बराबर बनाओ, और जब वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स सब आप अच्छे से मैनेज कर पाओ तो रिविज़न में प्रॉब्लम नहीं होती. बच्चों आप में से कितने लोग एग्ज़ाम से घबराते, हाथ खड़े करिए.
भला आपका स्कूल का एग्जाम हो, एलन के ट्रैक पर जहां भी आप पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम आ गया। मान लो कल आपका संडे, वैसे संडे आज है, लेकिन कल की रात आप सोचते हैं आज एग्जाम संडे है, कल है मेरा एग्जाम, आज की रात एकदम घबराहट तो नहीं जाती, अंदर से घबराना चालू तो नहीं जाता, आज की रात कल क्या होगा मेरे साथ, जगना होगा पूरी रात तब जाके बनेगी बात, लेकिन दिमाग नहीं देगा साथ, पक्की बात। इसलिए करो इनसे मुलाकात, इनसे ही पूछते हैं, आपने जब एलन के ट्रैक पे टेस्ट दिए, आपके माइनर टेस्ट होते थे, फिर मेजर टेस्ट होते थे, फिर स्कोर टेस्ट होते थे, फिर काउंटडाउन होते थे, सडन टेस्ट, सडन क्विज होती थी, और एक दिन फाइनली आपको ये भी मालूम है कि कल 22 मई ये एडवांस का एग्जाम है, कल 29 मई एम्स का एग्जाम है, तो उससे पहले भी एक रात आई थी, उससे पहले भी एक रात थी, क्योंकि एग्जाम रात को तो होता नहीं है, तो आपका उस समय क्या हाल था? एग्जाम फोबिया तो ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि इतने टेस्ट होते थे हमारे कि एक हैबिट ही हो गई थी एग्जाम की, तो डर तो कभी लगता नहीं था। और जेई से सबसे पहले मतलब मैं एग्जाम हमेशा इस तरह से देता था कि मैंने अब तक जो किया है वो ठीक है, बट अब जो मैंने पढ़ा है वो सब ठीक है, बट जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एग्जाम में मैं क्या करता हूँ, मुझे एग्जाम में मैंने जो भी पढ़ा है वो उसको कन्वर्ट सही से करना है। तो मतलब बस एक हमेशा ईगरनेस ही होती थी कि टेस्ट हो जाए, तो मतलब बिल्कुल भी फोबिया तो नहीं हुआ था जेई से पहले, बस हाँ नींद नहीं आ रही थी कि बस ईगरनेस थी कि कल जेई है जेई है, बट डर नहीं था बिल्कुल, क्योंकि इतने टेस्ट हुए ना हैबिट ही बन जाती है टेस्ट की, तो डरने का तो कोई मतलब वैसा तो बिल्कुल नहीं था कि हाँ बस ये कि बस कल पेपर है उसमें अपना बेस्ट उन 3 घंटे के स्लॉट में करना है, फिर जो होगा अच्छा ही होगा, डर हावी नहीं होने दिया कभी, बहुत बढ़िया बात। और वैसे ही IIT का एग्जाम जिंदा दिली लोगों का एग्जाम है, आगे आपको 2 पेपर 9 से 12 और 2 से 5 और बीच में 2 घंटे का गैप, यानी 8 घंटे तक आपको अपनी बॉडी को बहुत एक्टिव और पूरा एनर्जेटिक, और जो आपका वो क्लॉक है उससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइज होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इधर में कोई भी जना मेडिकल स्ट्रीम से जवाब दे, और वो ये है जब एलन के आप संडे को या जब भी आपका टेस्ट होता था, टेस्ट देके आप सोचते थे यार एलन ने टेस्ट लिया है वो बता देंगे स्कोर क्या होगा, क्या रैंक आएगी, क्या परसेंटेज बनेगी, तो टेस्ट देने के बाद आप टेस्ट के दिन फिर क्या करते थे? निखिल बाजिया। टेस्ट एक्चुअली टेस्ट डे आपका बेस्ट डे होना चाहिए, जब भी आप पेपर देके आओ तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसका पोस्टमार्टम करना, कि आपको कैरेक्टराइज करना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे वहाँ पे भी टिपिकल थे और मतलब पेपर में नहीं बने, फिर आप दूसरे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपन कुछ खुद की गलती से गलत कर देते हैं, तो अपने को ऐसे हर क्वेश्चन को कैरेक्टराइज करते हुए चलना चाहिए और अपनी मिस्टेक्स को नोट करना चाहिए, ताकि जब अपन फाइनल एग्जाम से पहले जाएं तो एक बार उनको मिस्टेक्स को देखें तो अपन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करें। अगर आप हर टेस्ट के बाद ये हैबिट फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको मेन एग्जाम में कोई गलती रिपीट नहीं होगी जो आपने टेस्ट में करी होगी। बहुत बढ़िया, जरा इनके लिए तालियां तो बजाइए, ये कामयाब लोग हैं, लाजवाब इनके जवाब हैं, तो वाह जनाब आप भी ताली तो बजाइए खुलकर। और आगे आप आशीर्वाद सर। I would like to carry on with Bhavesh, another question, All India Rank 2 in JEE Advance. एक जो सबसे बड़ा important factor है जो ब्रजेश सर ने भी कहा डर वाला, जो डर सबसे पहला develop होता है preparation की start में, क्योंकि यहाँ जितने भी student अभी class 11th में है या 12th की beginning में है, उन लोगों के लिए एक ऐसा message कि जब तुम 12th की beginning में थे तो अपनी preparation को किस तरह से manage करते थे कि फाइनली सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, सेलेक्ट होऊंगा तो किस रैंक पे होऊंगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े किस तरह से अपने आप को बैलेंस किया संभाला कि इस स्टेज तक आए। जस्ट क्विकली समराइज द होल जर्नी ऑफ क्लास 12th फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। हमेशा कुछ सीखने के लिए पढ़ता था तो उसमें हमेशा अपने आप मज़ा आता है और कभी डर नहीं लगता। अगर रैंक के लिए पढ़ोगे तो अपने आप प्रेशर क्रिएट होगा, बट अगर कुछ सीखने के लिए पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, तो इसलिए मैं हमेशा सीखने के लिए पढ़ता था और धीरे धीरे जब तक मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने रैंक के बारे में सोचना शुरू किया, उसके बाद मैं थोड़ा रैंक पे फोकस करा और फिर मैंने टेस्ट में अपना सारा ऑब्जर्व किया पैटर्न कि मेरी क्या कमियाँ हैं और अपनी कमियों को पूरा किया। इस हिसाब से मैंने अपनी मतलब प्रिपरेशन की है कि पहले जो सीखा फिर उसको अप्लाई किया, तो इस हिसाब से कभी मुझे प्रेशर नहीं फील हुआ और मैं ये कर पाया। क्योंकि आप लोगों की जर्नी अभी शुरू हुई है, उस जर्नी में डेली आपको अपनी गलतियों को ढूंढना है और उन गलतियों को सीखने के लिए पूरी जान लगानी है। सो स्टडी फॉर एक्सेलेंस नॉट फॉर द फाइनल रिजल्ट, सेम
सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर एग्जामिनेशन आई वुड लाइक निखिल टू रिप्लाई ऑल इंडिया रैंक टू इन एम्स कि ज़्यादातर स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं और एग्ज़ाम को एनालाइज करते हैं दे रियलाइज कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमको आते थे बट एग्जामिनेशन हॉल में गलत कराए और उसको बोल दिया जाता है सिली मिस्टेक हो गई. एक्चुअली मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक बट वो जो सो कॉल्ड सिली मिस्टेक्स होती हैं ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके साथ कभी शुरू से ऐसी मिस्टेक्स नहीं हुई. तो जब टेंथ के बाद से अपनी तैयारी कर रहे थे और इस तरह के मिस्टेक्स एग्जामिनेशन में होने लगी तो किस तरह से उन मिस्टेक्स को ओवरकम करके फाइनली यहाँ तक पहुँचे. तो आप धीरे धीरे मतलब एक साथ एलिमिनेट भी नहीं होंगे, आप हर सक्सेसिव स्टेज पर उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए. आप पेपर दे के आएँ अपनी लगभग जो भी मिस्टेक्स होती, कई तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते ही नहीं, आपके कभी कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ होता या फिर कोई क्वेश्चन नए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको आते हैं बट आप खुद की मतलब खुद की गलती की वजह से उन्हें नहीं कर पाते. तो आप पहले उन्हें नोट डाउन कीजिए उन क्वेश्चंस का, आप देखिए कि किन कारण की वजह से ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो पाए. और जब आप फाइनल एग्जाम तक जाएंगे तो आपके पास एक काफ़ी बंच काफ़ी ऐसे रीजंस हो जाएंगे जिसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स होती थी, आप उन्हें अवॉइड कर पाएंगे एग्जाम में और अच्छे स्कोर करेंगे. सो आई थिंक दिस सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग वेदर जेईई एडवांस एम्स और MHCET कि आप किस तरह से अपनी सिली मिस्टेक्स को फोकस करके और कॉन्सेंट्रेट करके रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज जब तक कोशिश नहीं करेंगे वहाँ तक नहीं जा सकते. और दो क्वेश्चन है मेरे पास अमन बंसल के लिए ऑल इंडिया रैंक वन, जो आई थिंक हर स्टूडेंट इन क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है. सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन जो अपनी प्रिपरेशन क्लासरूम स्टडी एट होम स्टडी मैनेजमेंट और फाइनली एग्जामिनेशन हॉल, तो अमन का इस जेईई एडवांस पेपर में जो पेपर वन है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट जेईई एडवांस पेपर इन पास 16 ईयर्स, एट दिस लेवल अमन बंसल ने इस पेपर में आउट ऑफ 186 181 स्कोर किया. और ये वो पेपर है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर सच पोजिशंस पेपर वन देने के बाद डीमोटिवेट हो गए और उस डीमोटिवेशन से पेपर टू में अच्छा नहीं कर पाए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज तुमने अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को कैसे प्लान किया कि एग्जामिनेशन डे पे किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या वो उसी दिन प्लान किया या लगातार जो अपने LN के इंटरनल टेस्ट होते रहे उनमें अपनी स्ट्रेटजी को कोई एक्सपेरिमेंट करके प्लान किया. जो दो स्टूडेंट्स को क्या बिहेव करना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए. एक्चुअली जो पैटर्न था कि सब्जेक्ट वाइज जो पैटर्न था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किसको पहले करना है किसको बीच में किसको बाद में, वो तो LN के पेपर्स में देखा था कि किससे मुझे किसमें चैप्टर में मुझे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उसको पहले करूँ, जिसमें थोड़ा कम लग रहा है कम है उसको लास्ट में करूँ. और एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम देते टाइम मेन स्ट्रेटेजी तो ये रहती थी कि अगर वो क्वेश्चन एक जो है कि वो बहुत लंबा है या फिर मुझे लग रहा है कि छोटा हो वाली लेकिन मैं कहीं अटक गया हूँ या मुझ पर नहीं हो पा रहा है इस टाइम पर, तो उस पर अपना टाइम किल ना करूँ उस क्वेश्चन पर, जितना हो सके उसका मतलब समझ गया कि हाँ छोड़ना ही ज़्यादा बेटर रहता है उसको, तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, जितने हो जाए पहले वो कर लो. फिर एक आप सेकंड राउंड आ सकते हो एक बार कि जो अटक गए थे आपके कि उसमें क्या गलती हुई वो दिख जाए, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन आपका टाइम है तो आप सॉल्व कर सकें. मेन ये रहता है कि आपको एक छोड़ने की हैबिट अपने आप में होनी चाहिए कि ये नहीं आ रहा तो इसे छोड़ दो, जिससे टाइम वेस्ट ना हो आपका ज़्यादा. आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो ये बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको करके ही दम लेना है चाहे एक घंटा दो घंटा लग जाए. टाइम इज़ एक्सट्रीमली प्रीशियस फॉर ऑल ऑफ यू इन एग्जामिनेशन. तो जो अमन ने बोला कि आपको पहली चीज़ स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल रखना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑल. कई बार ऐसा भी हो सकता है तीन या चार क्वेश्चन टफ आ जाए, बी कॉन्फिडेंट यू कैन स्किप दोज क्वेश्चन मूव फॉरवर्ड. अमन क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी सीक्वेंस में क्या होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या ऑर्डर फॉलो होना चाहिए? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पड़ता है, क्योंकि अगर आप पहले वो सब्जेक्ट ले लेते हो जो मतलब आपको लगता है कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अटकते हो आप या बहुत वीक सब्जेक्ट है आप बाकी दोनों के कंपेरिजिंगली, तो पहले आप डीमोटिवेट होकर बाद में फिर जो आते हैं उनको भी गलत ना कर दो. एक ये फैक्टर ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता बस, लेकिन पहले वही सब्जेक्ट करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. आपको क्या लगता है पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है आपकी एकेडमिक्स में और इस फाइनल सक्सेस के अंदर? बच्चों को ये लगता है जनरली कि हमको सब पता है हम अपने ढंग से कर लेंगे. सो यहाँ जो पेरेंट्स हैं आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग मैसेज फ्रॉम योर साइड टू ऑल द पेरेंट्स कि पेरेंट्स कैसे अपने
बच्चों की एकेडमिक्स को सपोर्ट करके उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं? पेरेंट्स का एक्चुअली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार दो साल की प्रिपरेशन में ऐसे स्टेजेस आते हैं जब आपको थोड़ा कई बार रैंक पीछे हो गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे आप थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करते हो, उस टाइम पे आपके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है कि आप उस बच्चे को सिखाओ कि नहीं, कि रैंक ही सब कुछ नहीं है, आप अपनी गलतियाँ सुधारते चलो, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है कि डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेस हो गए, छोड़ दिया बिल्कुल ही, मतलब आगे बढ़ते चलो और अपनी गलतियाँ सुधारते चलो। एक और चीज़ ये कि आप जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को ऐसे मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे अपने साथ वाले किसी बात करी कि उसका बेटा ये बुक कर रहा है तो तुम भी वही करो, तुम तभी सक्सेस मिलेगी, इस तरह कुछ नहीं। वो जो कर रहा है, जो उसके टीचर्स उसके गाइडेंस दे रहे हैं, जो फॉलो कर रहा है, उस पर उसको फेथ रखने दीजिए, आप भी फेथ रखिए और उसको उसी पर वर्कआउट करने दीजिए। आई थिंक दिस सच अ मैसेज, पेरेंट्स इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुने भाई। एक तो अपने वार्ड पर फेथ करे, बच्चे पर विश्वास करे, और अपने वार्ड की कभी दूसरे के वार्ड से तुलना ना करे। ये आपका सबसे अच्छा उसको बूस्टअप करना होगा, मोटिवेशन होगा, फिर देखना उसकी पढ़ाई की चाल क्या गजब की होगी। और एक अभी अमन ने बहुत अच्छी बात बोली है, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी के अंदर स्टैटिक एंगल नहीं होना चाहिए, डायनेमिक एंगल होना चाहिए। आप वहाँ पे जा रहे हैं, पेपर में आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट आपका कैसा ईजी जो है, कॉन्फिडेंस है, उससे स्टार्ट करिए। टेक इट ईजी एंड मेक इट ईजी, ताकि आपको अपने ट्रैक पर पहले से शुरू से ही फर्स्ट इंप्रेशन में कॉन्फिडेंस लगे और बाद में फिर जोर लगा के हैशिया। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन कुणाल और निखिल दोनों से। हमारी पढ़ाई में शुरू में भी हमने बात की, फ्रेंड सर्किल का एक बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, अपने आप को रिलैक्स करने में, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करते हो। ग्रुप स्टडी के बारे में आई वुड लाइक बोथ ऑफ यू टू कमेंट कि आप क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अकेले ही हैं और अपने टीचर के साथ एक चैनल डेवलप कर रहे हैं। आफ्टर क्लास और एट होम फ्रेंड्स के साथ एकेडमिक या ग्रुप स्टडी में क्या बिहेवियर होना चाहिए विच गिव्स अस एक्सट्रीम बेनिफिट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन? बोथ ऑफ यू, कुणाल। सेल्फ स्टडीज तो ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ग्रुप स्टडीज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अगर हम किसी यानी किसी और बच्चे से बात करते हैं स्टडीज़ के बारे में, किसी क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी जो नॉलेज होती है वो हमें भी आती है, यानी लीक होती है उसकी नॉलेज अपन में भी, और अपनी नॉलेज उसमें जाती है। तो ये ओवरऑल सबको ही बेनिफिट होता है ग्रुप स्टडीज़ से। और जो मैंने अभी बताया, इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत इम्प्रूव होता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो दो रीज़न होते हैं ना होने के। एक तो ये होता है कि हमारी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, जो कि नहीं होनी चाहिए, यानी मेहनत तो पूरी है, और दूसरा रीज़न यही होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कि हमें खुद पे विश्वास नहीं होता कि क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, कि क्योंकि वैसे होना तो चाहिए कॉन्फिडेंस की, कि कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं, फॉर्मूलेज वही हैं, तो फिर क्यों नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये जब भी इम्प्रूव होता है जब ग्रुप डिस्कशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने फ्रेंड सर्किल का पॉजिटिव और प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। वी हैव बोथ द चॉइसेस, वेदर टू गो फॉर द नेगेटिविटी विद द फ्रेंड सर्किल इन एकेडमिक्स एंड और टू यूज द पॉजिटिव प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवर टाइम। निखिल, व्हाट यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस? ग्रुप स्टडी रियली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप ग्रुप स्टडी में डिस्कशन से एक ऐसे कई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कैसी नई अप्रोच मिल सकती है आपको। एक ही क्वेश्चन करने के अगर आप ग्रुप में डिस्कस करोगे, जैसे आपको एक ही अप्रोच मालूम है, आप तीन नई अप्रोच मालूम कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में डिस्कस करोगे, तो आपके कई वेज, कई रिड्यूस, कई नई नई वेज आ सकते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के, और कब कौन सा वे एग्जाम में काम आ जाए तो किसी को पता नहीं। तो ग्रुप डिस्कशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको नए थॉट्स मिलते हैं, नए वेज अप्रोचेज मिलती हैं, वो रियली इंपॉर्टेंट होती है। I think the last question of this discussion from Aman only. Quality and quantity. कई जगहों पे specifically physics, chemistry, mathematics same will be valid for biology also. कि quality और quantity कितना matter करती है, कि selective questions को अच्छे से किया जाए या बहुत सारे एक ही तरह के questions किए जाएँ, क्या ये किसी subject specific पे depend करता है या इंडिविजुअली ऑन एन इंडिविजुअल डिपेंड करता है, तुमने किस तरह से फॉलो किया, किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस को किस तरह से मैनेज किया? एक्चुअली क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से,
क्योंकि मतलब वो किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, सेम तरह क्वेश्चन बार बार कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितने सेलेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो आपको आपको बताते हैं कि आप आपका टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है, वो क्वेश्चन आप सेलेक्टिवली ज़्यादा करते हो, भले ही कम करो, लेकिन जो सेलेक्टिव हैं और जो अच्छे हैं वो करो तो ज़्यादा बेटर रहता है क्वांटिटेटिव के बाद। भाई एक तो जेई मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है CBSE, वो अपना स्टेज वन होता है, और इधर अपना नित योजी या ऑल इंडिया PMT कंडक्ट करती है CBSE। तो NCERT की बायो में तो बात आ गई, अपने केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में NCERT को आप लोगों ने किया कि नहीं किया, ज़रा बताएं। NCERT का वेटेज बच्चों ध्यान समझना, कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो NCERT एक्चुअली साथ साथ ही करते थे, अब एडवांस के लिए हम मीन्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसे सब्जेक्ट में बुक रीडिंग हमेशा यूजफुल होती है, कि आप NCERT से बुक्स पढ़ रहे हो तो उसकी जो थ्योरी वगैरह है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और केमिस्ट्री में कई बार नई रिएक्शंस वगैरह भी मिल जाती हैं। मैथ्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन आप जैसे स्कूल के एग्जाम में आप तभी अगर उसको फॉलो कर लेते हो तो वो सफिशिएंट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की NCERT रिवाइज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री की NCERT से इनटेक्स में से एम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मैनी स्टूडेंट्स इग्नोर NCERT टेक्स्ट बुक्स बिकॉज दे कंसिडर इफ दे आर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर सच नेशनल कॉम्पिटिशन NCERT कैन बी वेरी इजिली मैनेज, बट लेट मी टेल यू इवन फॉर द टफेस्ट कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल फिजिक्स, इंटरनेशनल केमिस्ट्री एंड इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड इन मेजर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, इंडियन NCERT टेक्स्ट बुक्स आर प्रेफर्ड एज द मेन रिसोर्स बुक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपियाड्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर NCERT टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक्स अक्रॉस द ग्लोब, और वही स्ट्रेंथ है जो इन स्टूडेंट्स ने फॉलो करी। So that is the most important fact, and I would like Brajesh sir to please conclude the event. बच्चों सबके अपने अपने एक सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस ट्रैक है, और हर वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठता है इनके भी चलता था, लेकिन सांच क्वांच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इनसे अड़ी कोई मिसाल नहीं अपनी, कैसे सक्सेस की स्टोरी में इनको क्या क्या दिक्कतें आई और पढ़ाई इन्होंने कैसे करी और कैसे मंजिल पाई। हम लोग अभी इनसे मिले और कई तरह के क्वेश्चन के जवाब मिले, पहले हम सबसे पहले इनका थैंक्स करें, पूरी ताकत से ताली बजा के इनका अभिवादन करें, थैंक्स करें। आज ये वास्तव में लाइफ के रियल हीरो हैं, देश की सेलिब्रिटी हैं। आज इन्होंने अपने लिए इतना हमको अपना अमूल्य समय दिया, और ये बच्चे निश्चित रूप से अपनी इस पढ़ाई को बिल्कुल दिल से जैसी करी है वैसे आपके सामने रखी है। बहुत, मैं आपको एक अमन बंसल की बात बताऊं को ताज्जुब होगा, अमन बंसल ने जब NTSC स्टेज वन का एग्जाम दिया तो वो उसमें फेल हो गया। अमन राइट, NTSC स्टेज वन उस एग्जाम को दिया तो पहला स्टेज क्वालिफाई नहीं किया, और मेडिकल लाइन में तो NTSC की बात नहीं करते, लेकिन IIT में ऐसा बोलते हैं NTSC अगर कोई बच्चा पहला स्टेज क्वालिफाई कर दे तो IIT में पक्का सिलेक्शन होगा 12 के साथ, अगर वो NTSC स्कॉलर बन जाए तो शायद वो टॉप 100 में आ जाए। लेकिन अमन ने प्रूफ कर दिया है, अगर जिद पर आ जाए और ठान ले तो NTSC फेलियर भी JEE एडवांस का टॉपर बन सकता है।